हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुतेरे प्रयास किए कि रजनीकांत उससे हाथ मिला ले, लेकिन बात नहीं बनी। भाजपा की ओर से ये प्रयास बीते लोकसभा चुनाव में ही तब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ कर दिए थे। वे अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान रजनीकांत से मिले, उनके घर पहुंच गए थे। बहरहाल रजनीकांत ने न किसी के साथ जाना था और न ही गए। उन्होंने जीतने से बेहतर संबंध जयललिता के साथ रखे, उतने ही करुणानिधि के साथ भी। उधर रजनीकांत के साथ ही एक और फिल्मी सितारे कमल हासन ने भी राजनीति में आने की मुनादी की थी। उन्होंने एक राजनीति पार्टी का गठन भी किया, इसका नाम है मक्कल निधि मय्यम। इसमें कमल हासन फैंस क्लब के लोगों को ही राजनीतिक झंडा थमाया गया है। हासन ने लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने की बात भी कही थी, लेकिन अभी तक उस स्तर की हलचल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति चुनाव मैदान में औपचारिक ही रहेगी। वे अपनी राजनीति को द्रविड़ राजनीति के इतर रखना चाहते हैं, लिहाजा ये देखना समीचीनी होगा कि तमिलनाडु की जनता उन्हें बतौर नेता किस स्तर पर स्वीकारती है। फैसला इसी साल 23 मई को ही हो जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।